बिग कैट फैमिली के बारे में कौन नहीं जानता। जंगल में एक तरफा राज करने वाला ये जानवर एथिक स्पिरिचुअल के लिस्ट में टॉप पर आते हैं, इसीलिए हर समय जंगल में इनकी खौफ मची रहती है। हर कोई इनके खौफ से हमेशा डरे रहते हैं, चाहे जंगल कोई भी हो, हर जगह कैट फैमिली का ही कोई ना कोई सदस्य राज करता हुआ आपको मिलेगा। फिर चाहे अफ्रीका का शेर हो, भारत का टाइगर हो या साउथ अमेरिका का जैगुआर हो, हर जगह कैट फैमिली का ही बोलबाला है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे ही ताकतवर बिल्लियों से मिलाने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो के साथ काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अब तक हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि इसी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, यूरेशियन लिक्स। जी हाँ, जंगली बिल्लियों के लिस्ट में नंबर 10 पर यूरेशियन लिक्स का आना लाजमी है, क्योंकि वैज्ञानिकी भाषा में इनके कई नाम है। इतने नाम होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस इलाकों में ये निवास करते हैं उसी के आधार पर इनका वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। यूरेशियन लिक्स आकार में 4.3 फीट लंबी होती है और इनका वजन अधिकतम 36 किलो तक का होता है। इनका खास पहचान इनके कान पर उगे फर और छोटी पूंछ से होती है। इतना ही नहीं, ये गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडे माहौल को भी बड़ी ही आसानी से झेलने में पूरी तरह से सक्षम है। आमतौर पर इनकी आबादी पश्चिमी यूरोप से लेकर रशिया और तिब्बत के इलाकों में पाई जाती है। ये दूसरी जंगली बिल्लियों की तरह ही मांसाहारी होते हैं और इनके फेवरेट फूड में चूहा, चिड़िया और हिरन शामिल होते हैं। नंबर 9, स्नो लेफर्ड्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि स्नो लेफर्ड्स मुख्य रूप से बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। आमतौर पर इनकी आबादी मध्य एशिया, अफगानिस्तान और चाइना के पहाड़ों में देखने को मिलती है। हालांकि बड़े पैमाने पर शिकार की वजह से इनकी संख्या में काफी गिरावट आई है। यही कारण है कि इन्हें बचाने की कोशिश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। स्नो लेफर्ड की पूंछ के साथ कुल लंबाई 7.6 फीट तक होती है और जबकि इनकी वजन तकरीबन 54 किलोग्राम तक का होता है और आमतौर पर जंगली भेड़ों और बकरियों समेत कई तरह के अन्य जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। और यहाँ तक कि कई बार इंसानी बस्तियों में भी ये बेखौफ घुसकर अपने शिकार को अंजाम देते हैं। दरअसल इनके इलाकों में इंसानों की दखल अंदाजी लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से अपने शिकार की तलाश में ये इंसानी बस्तियों में आ धमकते हैं। नंबर 1, कैरेकल। तो कैरेकल नामक ये जंगली बिल्ली कई बड़े हिस्सों में पाई जाती है, जहाँ एक और ये आमतौर पर अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ मध्य एशिया में भी बड़ी संख्या में पाई जाती है, तो वहीं दूसरी ओर इन्हें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अधिकतर गांवों में और खेतों में भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। बेहद ही शर्मीले स्वभाव के ये कैरेकल की लंबाई करीब 61 से 107 सेंटीमीटर के बीच होती है, जबकि इनका वजन लगभग 7 से 20 केजी तक के आसपास होता है। इनका मुख्य भोजन का स्रोत चूहा, पक्षी, खरगोश जैसे छोटे से आकार के जीव शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, ये किसानों के लिए काफी ही मददगार साबित होता है, क्योंकि किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को ये अपना शिकार बनाकर किसानों की चिंता को खत्म कर देते हैं। नंबर 7, क्लाउड लेफर्ड्स। मुख्य रूप से नेपाल, चाइना और भूटान के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्व के इलाके में पाए जाने वाला क्लाउड लेफर्ड्स अव्वल दर्जे के शिकारी माने जाते हैं। यही कारण है कि ये बंदर तक को भी अपना शिकार बना लेते हैं। हालांकि इंसानों द्वारा लगातार शिकार होने की वजह से इनकी संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। स्मिथसोनियन नेशनल जू के माने तो इनका संबंध लेफर्ड की प्रजाति से नहीं है, बल्कि केवल इनका शरीर की बनावट के कारण इन्हें क्लाउड लेफर्ड के नाम से जाना जाता है। ये वाइट कैट की अलग प्रजाति है। ये आकार में काफी छोटे होते हैं। अगर बात करें इनकी साइज और वजन की, तो इनकी लंबाई तकरीबन 3.4 फीट के आसपास होता है, जबकि इनका वजन 25 किलोग्राम के तकरीबन होता है। नंबर 6, लेफर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि लेफर्ड बहुत ही घातक और ताकतवर जानवर होते हैं। यही कारण है कि ये किसी भी आकार के जानवरों को फलक झपकते ही अपना शिकार बना लेते हैं। ये आमतौर पर अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं और पूंछ के साथ इनकी कुल लंबाई लगभग 9.5 फीट तक हो सकती है, जबकि इनका वजन करीब 75 किलोग्राम के आसपास होता है। ये काफी खतरनाक शिकारी जानवर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाघ और शेर जैसे बिग वाइल्ड कैट कई बार इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यही कारण है कि इनके अपने बचाव के खातिर लेफर्ड पेड़ पर चढ़ने अपनी हुनर को सहारा लेते हैं। ये ऐसे समय में अपने शिकार को अंजाम देते हैं जब शेर या बाघ की नजर इन पर पड़ने से संभावना बिल्कुल ही कम होती है। नंबर 5, जैगुआर। बेहद ही खतरनाक और ताकतवर शिकारी जानवर के रूप में अपनी पहचान रखने वाला जैगुआर को भला कौन नहीं जानता है। आमतौर पर उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला मुख्य ठिकाने अमेज़न के जंगल में होते हैं। यही कारण है कि इन्हें अमेज़न के जंगलों का राजा के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इन्हें कभी कभी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर भी देखा जा सकता है।
हाँ, मगर एरिजोना और न्यू मेक्सिको में इनकी आबादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आमतौर पर इनकी लंबाई 5 से 6 फीट तक होती है, लेकिन पूंछ को मिलाकर इनकी कुल लंबाई लगभग 9 फीट तक की हो सकती है, जबकि इनका वजन करीब 158 किलोग्राम तक का होता है। नंबर 4, प्यूमा। इन्हें वैज्ञानिक भाषा में प्यूमा कॉर्न कलर के नाम से भी जाना जाता है। ये आमतौर पर अमेरिका, अलास्का, कनाडा, फ्लोरिडा और दक्षिणी चीनी में पाए जाते हैं। हालांकि फ्लोरिडा में इनकी आबादी बेहद ही कम है। वैसे तो बड़े पैमाने पर शिकार की वजह से पूरी अमेरिका में ही इनकी आबादी लगातार कम होती जा रही है। प्यूमा को कुगर और माउंटेन लायन के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी भाषा में 40 से भी अधिक नाम होने के कारण इस जानवर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये पूंछ को मिलाकर लगभग 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन करीब 59 से 68 केजी तक हो सकता है। इन्हें आहार में मुख्य रूप से हिरण शामिल होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये छोटे से लेकर बड़े आकार के जानवरों का भी शिकार करने में परहेज नहीं करते। नंबर 3, अफ्रीकन लायन। अफ्रीकन शेर को दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति के रूप में माना जाता है। मेल अफ्रीकन लायन अपने मेन के कारण आसानी से पहचाने जा सकती है। बालों का एक गुच्छा होता है जो उनकी गर्दन के चारों ओर मौजूद होते हैं। ये वास्तव में बेहद ही सामाजिक जीव होते हैं जो अक्सर अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इनके समूह को प्राउड के नाम से भी जाना जाता है और इनके झुंड में सदस्यों का संख्या 6 से 7 होती है। तो वहीं आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनके सबसे बड़े प्राइड में लगभग 40 मेंबर तक शामिल होते हैं। एक मेल अफ्रीकन लायन का वजन लगभग 205 किलोग्राम तक होता है और वहीं एक फीमेल अफ्रीकन लायन का वजन करीब 115 किलोग्राम तक होता है, जबकि अफ्रीकन लायन की लंबाई लगभग 5 से 7 फीट तक होती है और इनकी पूंछ की लंबाई करीब 2 से 3 फीट तक होती है। इतना ही नहीं, इनके मजबूत जबड़े और नुकीले दांत इतने खतरनाक होते हैं कि कोई शिकार अगर एक बार इनके जबड़े में फंस जाए तो उसका कचुंबर निकालना बिल्कुल ही तय हो जाता है। नंबर 2, चीता। दुनिया में सबसे तेज भागने वाले जीव के नाम में फेमस चीता जब लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करती है तो नजारा वाकई देखने लायक होता है। अपने इस बेहतरीन फीचर के साथ साथ जब ये शिकार के मैदान में उतरते हैं तो अक्सर एक सोची समझी रणनीति के तहत काम करते हैं। यही कारण है कि जब ये अपने शिकार के ऊपर अटैक करता है तो उसे अपनाने वाला बनाकर ही दम लेते हैं। वहीं एक चीता की लंबाई उसके पूंछ के साथ लगभग 6 से 7.5 फीट तक हो सकती है, जबकि इनका वजन करीब 55 से 75 किलोग्राम तक का होता है। इनका कम वजन ही इनकी इतनी तेज स्पीड का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 1, सिब्रायन टाइगर। सिब्रायन टाइगर को बाघ की एक प्रजाति के रूप में जाना जाता है और इनका नाम बिग कैट फैमिली में सबसे बड़ी बिल्ली के रूप में गिना जाता है। सिब्रायन टाइगर की पूंछ के साथ लंबाई लगभग 11 फीट तक हो सकती है, जबकि ये एडल्ट मेल साइबेरियन टाइगर के वजन करीब 320 किलोग्राम तक होता है। तो वहीं फीमेल साइबेरियन टाइगर का वजन लगभग 180 किलोग्राम के आसपास होता है। ये आमतौर पर रशिया के दक्षिणी पूर्व क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके साथ ही चाइना और नॉर्थ कोरिया में भी इनकी आबादी देखने को मिलती है। हालांकि इन इलाकों में इनकी संख्या काफी कम है। ये सेलेटरी एनिमल्स होते हैं जिनका सामाजिक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। ये अक्सर अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। हालांकि अपने क्षेत्र को लेकर ये काफी सेंसिटिव होते हैं और अपने इलाकों में ये किसी भी दूसरे बाघ को देखना पसंद नहीं करते हैं। ये काफी सातिर तरीके से घात लगाकर अपने शिकार को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि अगर एक बार ये किसी शिकार पर अपना टारगेट फिक्स कर ले तो फिर वे हर हाल में अपना शिकार उसे बनाकर ही दम लेते हैं। तो दोस्तों, आज थी दुनिया के 10 बिग कैट फैमिली के बारे में। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे।